हेलो गाइज वेलकम टू रॉबिन क्लासेज अगेन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर अनदर वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट दैट इज़ नेचुरलिज्म तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सेकंड यूनिट से अनदर वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट जिसे बोला जाता है नेचुरलिज्म प्लीज़ गाइज बने रहिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई नेचुरलिज्म इज़ कंसिडर्ड एज एन ओल्ड फिलसफी नेचुरलिज्म जो है उसे कंसिडर्ड किया जाता है ओल्ड फिलोसफी बहुत पुरानी फिलोसफी है नेचुरलिज्म पुराने जमाने से लोग नेचर पे बिलीव करते आ रहे हैं तो देखते हैं हम कौन कौन नेचर बिलीव करता है इन इन दिक्स सेंचुरी बी सी थेल कंसिडर्ड वाटर एज अ बेसिक औरिजिनल कॉज ऑफ़ द वर्ल्ड सिक्स सेंचुरी बी सी में थेल्स जो थे जिन्हें फादर ऑफ ग्रीक फिलासफी कहा जाता है उन्होंने कहा था वो भी नेचर पे बिलीव करते थे वो बोलते थे पूरी दुनिया का जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई वो वाटर से पानी से शुरुआत हुई थेल उसके बाद थे हेरा जो बोलते थे फायर एज ओ ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड आग की वजह से पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का ओरिजिन हुआ है फिर उसके बाद डेमोक्रेटस वाज पास एज अ चैंपियन ऑफ न्यूक्लियरिज्म जिन्हें न्यूक्लियरिज्म का चैंपियन कहा जाता है डेमोक्रेटिस को वो बोलते थे एंड एंसेस्टर्स ऑफ नेचुरलिज्म जिन्हें कहा जाता है वो तो बोलते थे ही रिगार्डेड दैट होल वर्ल्ड मेड एंड मैनेज बाय एटम्स पूरी दुनिया को किसने किसने बनाया और कौन मैनेज करता है एटम्स वो भी नेचर पे बिलीव करते हैं उसके बाद अगर हम इंडियन फ़िलासफी की बात करें इंडियन फिलासफी हैज कंसिडर्ड द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड आउट ऑफ फाइव एलिमेंट्स ये जो पूरी दुनिया को बनाया हुआ है पाँच एलिमेंट्स ने पाँच तत्वों ने जैसे कि एयर वाटर अर्थ ईथर स्काई एंड फायर तो इंडियन फिलासफी भी नेचर पर बिलीव करती थी तो ये नेचर की शुरुआत जो है पहले से हुई है नेचर बहुत पुरानी फ़िलासफी है तो रूसो को इन द एटीन सेंचुरीज़ कंसिडर्ड अ चैम्पियन ऑफ़ नेचुरलिज्म रूसो जो है गाइस याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव आएगा रूसो को फादर ऑफ नेचुरलिज्म कहा जाता है आफ्टर रूसो हॉक्सली हर्बर्ट स्पेंसर बर्नर्ड शाह सेम्यूल बटलर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नेचुरलिज्म इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और नेचुरलिज्म को और आगे बढ़ाया आगे देखते हैं गाइस थोड़ा सा हम रूसो uh, के बारे में द फादर ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं रूसो जो थे वो सेवनटीन टवेल्व में पैदा हुए इनका पूरा नाम था जीन जैकिस रूसो रूसो जो थे वो सेवनटीन टवेल्व uh, में पैदा हुए जनिवा में उनके फादर जो थे वो वॉच मेकर थे ही ही लॉस्ट इज़ मदर सोन आफ्टर इज़ बर्थ उनने अपनी माँ को जल्दी खो दिया जैसे ही वो पैदा हुए उनकी उनकी माँ चल बसी हीज़ अ वेरी लिटल फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने जो फॉर्मल एजुकेशन थी बहुत कम ली हिज़ अर्ली लाइफ इज़ फुल ऑफ शेम फुल एक्ट उनकी जो लाइफ थी वो बहुत शेम फुल एक्ट से गुजरी बहुत गलत हुआ उनके साथ विच ही मैंशन जो उन्होंने अपनी बुक पे मैंशन किया उन्होंने एक बुक लिखी थी गाइज ऑब्जेक्टिव आएगा कन्फेशन में उन्होंने बुक में अपनी मैंशन किया उनकी लाइफ के साथ क्या शेम फुल एक्ट्स हुए उनकी जो और बुक्स थी जैसे कि द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस द ओरिजिन ऑफ़ इनकवालिटीज़ अमंग मैन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बुक फिर इमाइल बहुत इंपॉर्टेंट बुक गाइज ऑन कंसर्निंग एजुकेशन ये सारी बुक्स थी इन इज़ फिफ्थ पार्ट ऑफ इमाइल गाइज इनके लिए जो इनके जो व्यूज़ थे वुमेन के रिलेटेड उनने फिफ्थ पार्ट उनकी जो बुक थी इमाइल उनमें डिस्कस किया उन्होंने बोला रूसो डिस्कस द एजुकेशन ऑफ एन इमेजिनरी गर्ल नेम्ड सूफी उन्होंने अपनी बुक में एक गर्ल का नाम लिखा था इमेजिनरी गर्ल सूफी इन विच ही सेड दैट वुमेन शुड नॉट पोजिज एनी इंडिविजुअलिटी उनकी जो लाइफ थी वो औरतों के रिलेटेड कुछ ठीक नहीं थी जो गुजरी उनकी जो व्यूज़ थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस पास्ट में बहुत गलत हुआ था औरतों के रिलेटेड तो उनके जो व्यूज़ थे आगे वैसे ही वो बोलते थे वुमेन शुड नॉट नाट एनी इंडिविजुअलिटी औरतों की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती है रूसो बोलते थे और शी शुड शीशु रिगार्डिड स्पॉडनेट टू मैन औरत को औरत जो हमेशा मर्द के नीचे ही होती है स्पॉडनेट होती है एंड प्रोवाइड सब्जेक्ट उन्होंने सब्जेक्ट दिए औरतों को जैसे कि डोमेस्टिक वर्क मॉरलिटी एंड रिलीजन गाइज अगर आपको जानना है उनके व्यूज़ क्यों थे औरत के रिलेटेड ऐसे आप रूसो की बुक इमाइल पढ़ सकते हैं उनके व्यू इसलिए थे क्योंकि उनकी जो ये जो हिस्ट्री थी लाइफ में कुछ औरतों के साथ अच्छी नहीं गुजरी तो उन्होंने तभी औरतों के रिलेटेड ऐसा ऐसे व्यूज़ थे उनके तो ये बुक्स लिखी थी ये था अबाउट रूसो के बारे में आगे देखते हैं काइज नेचुरज़म के बारे में नेचुरज कंसिडर नेचर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचलिस्ट जो थे वो बोलते हैं नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडियाज नहीं नेचर ये जो हमें दिख रहा है एंड अल्टीमेट रियलिटी यही है नेचर नेचर अलोन हैज़ द आंसर टू ऑल फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जो भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके आंसर किसके पास है इसी नेचर के पास और किसी के पास नहीं दे बिलीव दैट ईच ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस इन द नेचर एंड डिसपेयर इन दिस जो भी हर एक ऑब्जेक्ट जो है इसी नेचर इसी दुनिया में पैदा होता है और इसी दुनिया में डिसअपेयर हो जाता है एवरी थिंग कम्स फ्राम द नेचर एंड रिटर्न टू नेचर याद रखना ऑब्जेक्टिव आएगा तो इज बिलीव एवरीथिंग सब कुछ नेचर से आया और सब रिटर्न नेचर पे ही होगा तो देर इज़ नथिंग बियॉन्ड नेचर नेक्स्ट बोलते थे इस नेचर के आगे कुछ नहीं है नेचर के पीछे बियॉन्ड बिहाइंड नेचर कुछ नहीं है एंड अदर दैन नेचर नेचर के अलावा कुछ नहीं है दिस डॉक्ट्रीन डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड वो गॉड पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे एंड इमारल्टी ऑफ द सोलो सोल पे भी बिलीव नहीं करते हैं इट इट कंसिडर्स स्परिचुअुल वर्ल्ड इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ये जो स्परिचुअल दुनिया है ये एक इमेजिनेशन है नेचर इज़ ट्रू नेचर सही है मगर जो हमें दिख रहा है सो दिस इज़ कंसिडर्ड द स्टंच ओपोनेंट ऑफ आइडलिज्म इसीलिए इनको स्टंच अपोजिशन कहा जाता है आइडलिज्म के इससे पहले हमने आइडलीजम uh, पढ़ा था तो नेचुरलिज्म इसके बहुत अगेंस्ट थे इज आल्सो टर्म्ड एज मटेरियलिज्म नेचुरलिज्म को मटीरियलिज्म भी कहा जाता है मैटर नेचुरलिज्म इसी तरीके से वार्ड ने एक डेफिनेशन दी थी नेचुलाज्मज़ डॉक्टर इन दैट स्प्रेड नेचर फ्रॉम गॉड नेचुरिज्म एक ऐसा बिलीफ है जो नेचर को सेपरेट करता है गॉड से नेचर और गॉड अलग हैं बिल्कुल और बोलता है ये जो आत्मा वगैरह सोल वग़ैरह ये नीचे है मैटर से एंड अनचेंजेबल लाइज सुप्रीम और जो ये जो नेचर के लाज यही सुप्रीम है अवार्ड ने कहा था गाइस अब देखते हैं मेटाफिजिक रियलिटी क्या थी नेचुरलिज्म की नेचर नेचुरलिज्म के लिए नेचुरलिस्ट बोलते थे नेचर लोन इज द अल्टीमेट रियलिटी नेचर जो है अल्टीमेट रियलिटी है रियलिटी एंड नेचर आइडेंटिकल रियलिटी और नेचर आइडेंटिकल नेचर ही रियलिटी है बियॉन्ड नेचर दे इज़ नो रियलिटी नेचर के बियॉन्ड कोई भी रियलिटी नहीं है तो इनका एक स्लोगन था गाइज ये पेपर में आता ही आता है ऑब्जेक्टिव इसमें रिटर्न टू नेचर एंड ब्रेक द चेंज ऑफ द सोसाइटी आप नेचर की तरफ आ जाओ और ये जो चेंज सोसाइटी के इनको तोड़ दो ये कि इनका स्लोगन था नेचुरलिस्ट काज ऑब्जेक्टिव आएगा नेचुरलिज्म मटीरियल वर्ल्ड इज अ रियल एंड ट्रू जो मेटीरियल वर्ल्ड है यही ट्रू है और रियल है आल थिंग्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर सारी चीज़ें मैटर से बनती हैं एंड ऑल आर अल्टीमेटली टू बी रिड्यूस टू इट और सभी इसी में चले जाएंगी मैटर में ही मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ये मैटर कैसे ऐटम्स से बनता है प्रोटॉन्स से बनता है एमटी स्पेस से बनता है और मोशन से बनता है तो इन्होंने गाइज बता भी दिया कि कैसे यूनिवर्स का कैसे क्रिएट हुआ है तो इन्होंने बोला मैन हमसल भी इज़ अ मैटर इंसान भी एक मैटर है एंड इज़ माइंड इज रिजल्ट ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग और ये uh, कैसे चलता है ब्रेन की फंक्शनिंग ब्रेन क्या है ब्रेन भी मैटर है मैन इज अप्रीम क्रिएशन ऑफ इस टाइल मैन इज अ सुप्रीम क्रिएशन एक सुप्रीम क्रिएशन है नेचर की क्योंकि उसके पास टैलेंट्स और क्वालिटीज़ हैं को नेचुरल बिलीव करते थे तो खाद याद रखिएगा यूनिवर्स का, का क्रिएशन कैसे हुआ एटम्स प्रोटान्स एम्प्टी स्पेस और मोशन से इंसान भी वहीं से निकला है तो दे डू नॉट बिलीव इन द डिवाइन डिंस और गॉड वो गॉड ब बिलीव नहीं करते हेल एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं ये जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं एनीथिंग दैट कैन बी प्रस्यूड बाई सेंसिस ऑर्गनाइज रियल जो भी हमारे सेंसेस से पता लगे दिखे हमें वो चीज़ें रियल है और कुछ रियल नहीं इमेजिनेशन कुछ रियल नहीं है आप देखते हैं जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या था नेचुरलिस्ट के लिए वो बोलते थे नॉलेज कम थ्रू सेंसेस याद रखना गाइस अपिस्टोमोलॉजी अगर आएगा ऑब्जेक्टिव नेचुरली वो सेंसेस वो बोलते थे सेंसेस आर द गेट वेज ऑफ नॉलेज सेंसेस जो है सेंसेस से ही हम नॉलेज गेन कर सकते हैं द फाइनल ट्रूथ कैन बी नो थ्रू सेंसेस तो अपिस्टोमोलॉजी अगर देखें तो uh, जो जो नेचुरल से वो बोलते थे सेंसेस से ही हमें ट्रूथ के बारे में पता लग सकता है बिलीव इन द डायरेक्ट नॉलेज नॉट बुकिश नॉलेज बुकिश नॉलेज के बिल्कुल अगेंस्ट हिंसते थे गाइज है डायरेक्ट नॉलेज के मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस दो सेंसेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एम्पेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हो अच्छा गाइस एक और मेथड की बात करते थे, अच्छा, थे जहाँ से हम नॉलेज uh, को गेन कर सकते हैं वो था इंडक्टिव मेथड ऑफ बैकन इंडक्टिव मेथड में होता क्या है मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन करते हैं बहुत ख़तरनाक ऑब्जर्वेशन डाटा की और एग्जॉस्टेड कलेक्शन कलेक्शन करते हैं इसमें और केयरफुल क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग क्लासीफाइड करते हैं चीज़ों को इंटेलिजेंट इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को समझते हैं और फाइनली क्वेश्चन जनरलाइजेशन भी करते हैं हम इंडक्टिव मेथड में तो इंडक्टिव मेथड पे गाइस नेकलिस बिलीव करते थे अप्री कोरस एंड लैक्ट्रियस स्टेटेड दैट ऑल नॉलेज कम थ्रू प्रिसिप्शन ये बोलते थे सारी नॉलेज जो हमें प्रिसिप्शन से आती है हमारे सेंसेज जो भी हम देखते हैं इट इज़ लाइक अ फोटोग्राफिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंसेशन ये एक फोटो की तरह है जिस तरह से हम फोटो में चीज़ें देखते हैं और हमें याद रहती है ये वैसा ही है जिस तरह से हम अपनी आँखों से देखते हैं तो गाइज उन्होंने कहा था सेंसेज आर द गेट वेज़ ऑफ नॉलेज उसके बाद देखते हैं एक वैल्यूज़ की बात करें तो नेचुरलिस्ट वो थे एक हिडोनिस्टिक थे हिडोनिस्टिक का मतलब होता है जो सिर्फ प्लेजर पे बिलीव करते हैं प्लेजर इज़ द हाइस्ट गुड उनके लिए कोई भी एक्सटर्नल एब्सलूट अल्टीमेट वैल्यूज़ नहीं है स्परिचुअल वैल्यूज़ वो बोलते हैं वैल्यूज़ जो भी हैं वो नेचर के अंदर ही हैं अगर आपको नेचर की वैल्यूज़ को रियलाइज़ करना है आपको क्या है इसके साथ हारमोनी रहना है नेचर को हार्म नहीं करना है आपने हारमोनी के साथ नेचर के साथ तो आपको खुद ही वैल्यूज़ रियलाइज़ हो जाएंगे तो वैल्यूज़ ऑफ़ लाइफ आर क्रिएटेड बाई नीड्स हम जब जरूरतों के लिए वैल्यूज क्रिएट करते हैं और कंडीशन ऑफ लाइफ के लिए तो दे डो नॉट बिलीव इन द एक्सटर्नल वैल्यूज ऑब्जेक्टिव आ सकता है अब देखते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नैचुरिज्म फिजिकल नेचुरलिज्म इट इंटरप्रेट द यूनिवर्स टू मैटर फिजिकल साइंस नो फेथ इन मॉरिटी फ्रीडम ये फिजिकल साइंस पर ज़्यादा जोर देते और मॉरिटी पर बिल्कुल नहीं फिजिकल साइंस को सुप्रीम मानते थे और दूसरा था मैकेनिकल नेचुरलिज्म इट कंसिडर्ड मैन एज मशीन विच इज मेड ऑफ मैटर एंड स्पीड ये जो मैकेनिकल ये बोलते हैं मशीन की तरह इंसान वो मैटर और स्पीड की तरह तो मैकेनिकल ऑब्जरवेशन मैकेनिकल नेचुरलिज्म के बाद भी ह्यूमनिस्टिक uh, अप्रोच आ गई थी गाइस क्योंकि उन्होंने मशीन जब मैकेनिकल uh, नेचुरलिज्म तो ये था दूसरा हमारा तो बायोलॉजिकल एंड एवोलूशनरी तीसरा है हमारा थ्योरी ऑफ एवल्यूशन ऑफ डाविन बिलीव दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल आपने डाविन uh, की एवोल्यूशनी थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें उसने कहा था स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट तो नेचुरलिज्म भी इन दो चीज़ों में बिलीव करते हैं तो ये था अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन देखें अगर हम तो नेचुरलिज्म गाइस बहुत ही uh, एक ऐसी फिलॉसफी है वो एक रिएक्शन हुई थी किसके अगेंस्ट जो कि प्रैक्टिकली किल्ड किया था जैसे कि ऑपरेसिव वेट ऑफ ट्रेडिशन टर्न डिसम रूल्स ऑफ स्कूल ये जो नेचुरली से ये रूल्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन पर कैरिकुलम ये जो एक ड्राई कैरिकुलम पर और फॉर्मल बेरो टीचर पर बिल्कुल ब्लेव नहीं करते थे बोलते थे आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है यू हैव प्रैक्टिकली किल्ड द एजुकेशन सिस्टम उनका कहना था अकॉर्निंग टू दैम द ओल्ड सिस्टम हैज डी जनरेटेड विद अन ड्यू एम्बर्स ऑन द स्टडी ऑफ बुस जो पुराना सिस्टम है अभी तक चलते आ रहा है बच्चों को हम सिर्फ बुक्स पढ़ाते हैं बस पढ़ाते ही रहते हैं बुक्स के पीछे प्रैक्टिकल नॉलेज देते नहीं है सो नेचुरल डू नॉट डिपेंड अपॉन स्कूल नेचुरल स्कूल पर नहीं बिलीव करता था और बुक्स पर नहीं बॉट अपॉन द लॉज ऑफ नेचुरल लाइफ एंड एजुकेट और जो नेचुरल 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 चीज़ों में प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करता था ये बुक्स पर बिलीव नहीं कर क्योंकि ये अगेंस्ट ये against जो ट्रेडिशनल मैथड चलता आ रहा था तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बिलीव करते थे वो बोलते थे बिलीव दे द चाइल्ड चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु डिवेल्प ग्रेजुअली थ्रू फोर स्टेजेस जो वो से, चार छः चार स्टेजेस से डिवेल्प होते तो थे कि इन्फेंसी चाइल्ड हुड एडोलिसंस और एडल्टुड ऑल दीज स्टेजेस हैव देयर ओन नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एजुकेशन शुड मेक दीज नीड्स डिवेल्प कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम पर्टिकुलर टू ई स्टेज तो एजुकेशन का क्या ये होना चाहिए कि वो डिवेल्प करे कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर ईच स्टेज में हमें बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एजुकेशन भी चलती है इन्फेंसी से चाइल्डहुड से एडोलीसन से और एडल्टहुड तक तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव एजुकेशन का कि वाई नेगेटिव एजुकेशन टू चाइल्ड रूसो क्यों बोलते थे नेगेटिव एजुकेशन चाइल्ड को देनी चाहिए तो रूसो वांटेड दैट द फर्स्ट एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी पहली एजुकेशन बच्चे को तो नेगेटिव उनका नेगेटिव कहने का मतलब था कि टीच द प्रिंसिपल ऑफ कि हमें जो है बच्चों को वर्चू के प्रिंसिपल नहीं सिखाने हैं कि गॉड क्या है मॉरल वैल्यूज फटाफट सिखा दो तो ट्रुथ क्या है बल्कि हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए अपने दिल को कि जो वाइस बैड हैबिट्स हैं इनसे कैसे अपने दिल को दूर रखा जाए बच्चों को कैसे दूर रखा जाए उनको प्रैक्टिकली ये सिखाओ एंड माइंड अगेंस् एरर ये जो अपने दिमाग को ये जो गलत चीज उनसे दूर रखने को कैसे रखा जाए तो नेगेटिव एजुकेशन दो बच्चों को पहले इनके बारे में बताओ एक्सपीरियंस करवाओ इनको रूसो थाट दैट सोसाइटी इज क्योंकि रूसो बोलते थे सोसाइटी बहुत बैड है चाइल्ड मजबी प्रोटेक्टेड फ्राम द इन इन्फ्लुंस फर्स्ट ये जो इवन इन से बचाना है हमें बच्चों को हैं सुनने बोला पाँच से बारह साल तक बच्चों को नेगेटिव एजुकेशन दो तो उन्होंने बोला नेगेटिव एजुकेशन में हमने उनको ये सिखाना है नो टाइम सेविंग के बारे में नो फॉर्मल लेसन नो डायरेक्ट मॉरल लेसन बुक लर्निंग कुछ नहीं होगी नो हैबिट फॉर्मेशन होगा मतलब नेगेटिव एजुकेशन इज़ अ परफेक्ट दैट हमें उनके ऑर्गन्स को परफेक्ट करना है क्योंकि ऑर्गन्स आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्योंकि ऑर्गन जो है जरिया है नॉलेज को गेन करने का तो ये रूसू बोलते थे तो पॉजिटिव एजुकेशन की भी उन्होंने बात की हमें बाद में बच्चों को पॉजिटिव एजुकेशन देनी जैसे कि फ्रीडम के बारे में फिजिकल एजुकेशन एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ और सेंस ट्रेनिंग हमें बच्चों को देनी है तो एम्स ऑफ एजुकेशन अगर देखिए वो बोलते थे सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ प्रिजर्वेशन हमें जो है बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन करवाना है और सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे करवाए बच्चों को तो ये था पहला एम उनके लिए गाइस अब देखते हैं दूसरा एम क्या था उनके लिए दूसरा एम था परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन हमें जो है बच्चों को सो दैट ही कुड परफॉर्म मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क हमें उनको परफेक्ट कराने की वो और कॉम्प्लिकेटेड टास्क करे एडजस्टमेंट कि वो लिव इन हाउ मनी विद इज सराउंडिंग वो एनवायरनमेंट के साथ हारमोनी की तरह रहे एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऐसी एजुकेशन दो उनके नेचर के साथ हो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सीकिंग एडजस्ट उनको स्ट्रगल करवाओ एग्जिस्टेंस के लिए और सीकिंग एडजस्ट करवा दो सोसाइटी में ऐसी एजुकेशन दो कैरिकम की, 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 शुष, की बात की उन्हें बेसिक साइंस की बात की जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात की मैथमेटिक्स और लैंग्वेज की बात की हिस्ट्री सोशल स्टडीज ड्राइंग की बात की क्योंकि ड्राइंग से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइडियाज़ को नो प्लेस फॉर रिलीजियस रिलीजियस एजुकेशन की बिल्कुल नहीं थी मॉल एजुकेशन शुड बी गिवन थ्रू एक्सपीरियंस जो मॉरल एजुकेशन देनी वो एक्सपीरियंस के दो आधा दिन थ्रू इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन नहीं दो उनको मॉल एजुकेशन तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बोलता सेल्फ प्रिजर्वेशन सब्जेक्ट जैसे कि फिजिकल साइंस हेल्थ और एसेंशियल नीड्स वाले सब्जेक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी मैथ जो हमारी नीड्स पूरी करें और बच्चों को जो बढ़ाने की जो बच्चों के लिए नॉलेज की जैसे कि होम साइंस साइकोलॉजी एक्स्ट्रा ये सब्जेक्ट बच्चों को कैरिकुलम में इंक्लूड करने चाहिए अब देखते हैं मैथड्स गाइड उन्हें बोलता डायरेक्ट एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्सपीरियंस रूसो गिव रूसो बोलते थे गिव यूर स्कॉलर नो वर्बल लेसन अपने बच्चों को कोई भी वर्बल लेसन मत दो ही शुड बी टॉर्ड बाई एक्सपीरियंस लो उनको एक्सपीरियंस के साथ सिखाओ प्रैक्टिकली सिखाओ टीच बाई डूइंग वट एवर यू कैन डूइंग करके सिखाओ जो भी आप सिखाते हो बुक्स पर तभी आओ वर्ड्स पर जब आप जब वैन डूइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन जब आप नहीं कर पाओ कुछ कुछ चीज़ों को बुक्स नॉलेज इज़ लिटल एस बुक नॉलेज कम से कम यूज़ करो उन्हें बोलता है मैक्म यूज ऑफ साइसिस प्ले वे मैथड का यूज़ करो ह्यूरिस्टिक मैथड का सेल्फ डिस्टरी मैथड जिसे कहा जाता है अदर मैथ लाइक डेल्टन मैथड थ्रू ऑब्जर्वेशन के सारे मैथड थे जो naturalist ने यूज़ किए थे और डिसिप्लिन की बात करें गाइज उनने था फुल फ्रीडम दो बच्चों को नेचुरज बिलीव इन डिसिप्लिन बाई नेचुरल कॉन्सिक्वेंस वो खुद सीखेगा बच्चा जैसे कि स्पेंसर ने एक एक अच्छी एग्जाम्पल दी उन्होंने बोला वैन ए चाइल्ड फॉल्स फॉल्स जब वो गिर जाता है जब वो वै रन इज़ हेड अगेंस्ट अ टेबल जब उसको टकराता है टेबल के साथ उसको दर्द होती है और वही जो पेन होता है उसको वो याद करवाता है और मोर केयरफुल होता है जब वो दोबारा से करता है और इसी तरीके से एक्सपीरियंस गेन करता है इट इज़ डिफरेंट टू प्रॉपर गाइडेंस ऑफ इस मोमेंट्स को गाइडेंस आती बट स्पेंसर उन्हें बोला ये, ये जो चीज़ है यह मैं इन्फैंसी में नहीं देनी बच्चों को उसके बाद क्योंकि उसने बोला एथियर ए थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड प्लेंग विद एन ओपर रेजर कै नॉट अलाउ टू लर्न बाई डिस्प्लेन कॉन्सिक्यून मे बी टू सीरियस अगर बच्चे तीन साल के बच्चे को रेजर दिया जाए हाथ में वो तो अपना हाथ ही काट देगा तो उन्हें बोला बच्चों इन्फेंसी वाले बच्चों को नहीं ये सिर्फ बड़े बच्चों को उनको दो लेकिन जॉन स्टूटमिल ने कहा उन्होंने कहा कि हमें वार्निंग बच्चे को हर एक स्टेज में देनी ही देनी है तो गाइज़ जो नेचुरिस्ट थे वो फुल फ्रीडम की बात करते थे तो ऑन टीचर की बात करें टीचर बोलते थे वो प्रोटेक्टर है टी, नेचर एज अ ग्रेट टीचर है टीचर को प्रोटेक्टर का ऑब्जर्वर का एक स्टेज सेटर जो मटेरियल भी प्रोवाइड करे बच्चों को तो ये गाइस था हमारा नेचुरज़म के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू